गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ कमर जमान। तो आपको इस टाइम पर सेटअप पर कोई भी बर्ड जो है वो खुला हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी जगह जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा कोई बर्ड नहीं है। हाँ अलबत्त जो बिग डक्स हैं उनको मैंने कहीं पर बंद नहीं किया, वो खुली फेरी हैं। लेकिन बाकी के जो बर्ड्स हैं जैसे हमारे पास टर्की बर्ड्स हैं, मस्कवी डक्स हैं और आस्ट्रोलोप की मुर्गियाँ, असील मुर्गा, तो सबको मैंने बंद कर दिया जेल में। जेल कौन सी हो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी क्या आज एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है जो कि हमने करना है, यहाँ पर ग्रास लगाना है। अभी मैं जाकर घास ले आया हूँ और आज है इतफाक से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा अंधेरा अंधेरा और छाँव छाँव सी है, धूप होती है इस टाइम पर, लेकिन आज नहीं है। तो आज हमने यहाँ पर घास लगाना है ताकि ये जो सेटअप का हिस्सा हमारा खूबसूरत सा हो जाए। हमारा सेटअप है, हमने इसको संवारना है, वरना जिस तरह पहले रैबिट्स हमारे जो है वो घास खा गए थे, परिंदों ने हमारा घास ख़राब कर दिया था, तो इस मिट्टी को मैंने दोबारा से थोड़ा सा सीधा करना है। कल भी कुछ किया था, अभी भी कुछ करूँगा और यहाँ पर जो मैं घास ला चुका हूँ तो उसको भी लगाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन भी प्रेस कर दें। लेट्स गो। तो हमारे सेटअप का जो ये वाला हिस्सा आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पर मिट्टी डलवाई थी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पहले कबूतरों का गेट छोटा था, अब बड़ा किया है तो कंप्लीट करना रहता है इसको, वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कबूतर हमारे फिलहाल दूसरी तरफ केज में। इस तरफ का जो केज है उसकी छत मैंने उस तरह से देनी है जैसे वो देख सकते हैं टेढ़ी सी ऐसे हट की, जिस तरह से छत होते हैं ना वैसे। पीछे की तरफ से हाफ दीवार दी हुई है, हाफ ईंटें पड़ी हुई हैं, इसको भी किसी दिन बना लेंगे। लेकिन मैंने कहा यार ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये काफ़ी सारा अब बुरा लग रहा था, मिट्टी यहाँ पर बस ऐसे, पहले तो जब ग्रास लगा लिया तो खूबसूरत होगी थी, फिर ऐसे बिखरी भी पड़ी थी तो मज़ा नहीं आ रहा था सेटअप पर। ठीक है, तो घास मैं ला चुका हूँ, इस बोरे में है और आज इसमें घास लगा देंगे इस मिट्टी पर इसको सीधा करके, और बर्ड्स को हमने बंद कर दिया ताकि इस बार जो ग्रास है वो उग जाए। ठीक है, तो मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगा और उम्मीद है कि इस बार उग जाएगा। तो हमारे बर्ड्स की तरफ चलते हैं जो कि दूसरी तरफ हैं, यहाँ पर हमारी बर्ड्स एवियरी की तरफ। और पहले मेरा मूड था भाई इसमें बंद करूं किसी बर्ड को, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया। मैंने तो ये इस तरफ जो हमारा केज है ना, तो यही जो मास्टर केजेज हैं अभी तो ये तैयार नहीं हुए अच्छे से, तो बस जिस तरह से भी था मैंने बर्ड्स को इस समय ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए ये बाहर निकल जाते हैं तो नेवला या कुत्ते वगैरह जो है ना फिर इनके साथ कोई नुकसान ही ना कर दे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो हैं इन केजेस में, ये जो मास्टर केजेस अभी कंप्लीट नहीं हुए तो फिर भी मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया बर्ड्स को, क्योंकि मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई बर्ड बाहर गिरे और कुल्ले कुत्ते वगैरह जो है ना इनका नुकसान कर जाए। हमारे आपको पता है कि गाइना फॉल जो थी वाइट वाली वो फिर है, लेकिन उसके साथ का जो मेल है उसको हमने दूसरे केज में बंद किया क्योंकि उसे कुत्ते ने बाइट किया। तो बाकी इसमें मेल वगैरह फिर है, ये देखें ब्लैक भी गोल्डन भी सारे, फीमेल्स भी यहीं पर हैं, और इसके अलावा जो हमारी मस्कवी डक्स हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि भाई अंदर ही घूम फिर रही हैं। ठीक है, तो इनको भी खूबसूरत सा केज वगैरह बनाना है, सेटिंग वगैरह करनी है, लेकिन मैंने कहा जो काम हो सकता है कम से कम वो तो कर ले। तो इसमें हमारे टर्की बर्ड्स भी हैं और हमारे मस्कवी डक्स भी हैं, तो वो इनको मैंने यहाँ पर बंद किया हुआ और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे जो कबूतर हैं वो आप लोग को पता है यहाँ पर होते हैं, तो कबूतरों को यहीं पर रखा हुआ है मास्टर केजेस में, हमने हमारी मस्कवी डक्स और टर्की बर्ड्स को छोड़ा हुआ है, और इसके अलावा ये तो खाली ही है। लेकिन हमारे पास जो आयरन केजेस थे ना जो कल हमने खड़ा किया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये है वो इनकी जेल जिसके बारे में मैं बोल रहा था। हमारे पास जो न्यू केजेस में लाया था ना चार, उसमें से आप लोगों को पता है कि गिरने के बाद एक केज जो हमारा मुकम्मल तौर पर टूट गया था और तीन केजेस जो हमारे बच गए थे। तो अब दोबारा से जिस तरह पहले मैंने इनमें बर्ड्स रखे हुए थे, तो इस बार क्या किया मैंने हमारी आस्ट्रोलो भी इस केज में भी बंद कर दिए, ऊपर भी बंद कर दिए। फिलहाल क्योंकि आज मौसम इस तरह का है, बाहर भी छाँव है अंधेरा अंधेरा सा और ये खुद भी ब्लैक है तो खास नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन नीचे वाले केज में मैंने एक मुर्गा और दो मुर्गियाँ रखी हुई हैं और ऊपर वाले केज में हमारा आस्ट्रोलो बसील और तीन मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, और नीचे हमारे रैबिट्स हैं, उसके नीचे वाले पोर्शन में जो है वो मैंने पीला मुर्गा रखा हुआ है। इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनकी जेल जो है फिलहाल यही है और ये मुझे यानी कि ऐसा लग रहा है कि मुझसे नाराज़ हो कि भाई हमें केज में क्यों बंद कर दिया, हम खुले थे घूमते फिरते थे मज़े में थे। तो इसका रीज़न यही है कि यार ऐसा ना हो कि भाई कोई बिल्ली या कुत्ता वगैरह ले जाए और वो जो है अब जाहिर सी बात है बर्ड दीवानों पर घूमते हैं गिर जाते हैं फिर कुत्ता ले जाता है, फिर उसे तो अच्छा है ना कम से कम जेल में रहे, जिंदगी तो रहेगी ना इनकी।
तो चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और मैं बाकी के काम करता हूँ सेटअप के। हमारी जो बिग डक्स हैं वो अपनी आज़ादी का फुल फ़ायदा उठा रही हैं और यहाँ पर घूम पे रही हैं, लेकिन इनको भी मैं बंद कर दूंगा। बस मैंने रात को नहीं पकड़ा तो मैं कहा चले कोई नहीं घूमती फिरती रहे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ग्रास लगाऊंगा और यहाँ पर खाद वगैरह डालूंगा तो ये उसमें मुंह मारेंगी, तो इनको भी बंद कर दूंगा फिर। तो यहाँ पर माशाल्लाह नीचे की तरफ है हमारा पीला मुर्गा, ये देखें क्या बात है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा पीला मुर्गा। तो वीडियो के दौरान ही ये जो है भाग के जा रहा था तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो अब माशाल्लाह देखें बिल्कुल फुल फैदर्स में है और ये तो बेचारा अच्छा हो गया, लेकिन हमारा वाइट टाइगर जो है वो लड़ाई झगड़ों में बेचारा नहीं रहा, तो इसको केज में छोड़ देते हैं। चलो जी घर जाओ जाओ, ठीक है। तो माशाल्लाह आपने देखा हमारा पीला मुर्गा इस केज में, इसको मैं बंद कर देता हूँ, भाग जाएगा बाहर। और दूसरे पोर्शन में जो है मैंने माशाल्लाह हमारे रैबिट्स रखे हुए हैं, ख़ास करके जो हमारी वाइट रेड आइज फीमेल है ना, ये देखें यहाँ पर बैठी है, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बाकी वो गोल्डन भी बड़ी प्यारी है, सारे ही माशाल्लाह प्यारे हैं, लेकिन ये थोड़े नाराज़ होंगे कि भाई हमें फ्री कर दो, हमने घूमना फिरना। तो जल्द ही बस घास वगैरह लगा कर इनके लिए कोई सेटअप बनाते हैं। मेरा तो मूड यही भी था कि भाई बर्ड सैंक्चुअरी को कम्प्लीट करके फिलहाल रैबिट्स को यहाँ पर छोड़ देंगे, तो देखेंगे जो कर पाएंगे तो कर लेंगे। पोर्शन में हमारी आसोलोप की मुर्गियां जो कि मेरे डर की वजह से ना इस तरफ को छुपी हुई हैं, आप देखें ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छे वेट किए मैंने तो अब जाकर पकड़ियां, वरना तो इनको पकड़ता नहीं था। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी अच्छे से रह रही हैं, इनके अच्छी माशाल्लाह हैं। और ऊपर की तरफ हमारे असील आसोलोप है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको दरवाज़ा बंद कर लूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए खोला वरना ये भाग जाएंगी। और ऊपर वाले केज में जो है मैंने आस्ट्रोलोप असील को और बाकी की मुर्गियों को बंद किया हुआ है, और माशाल्लाह अब मुझे जाकर पता चला कि मेरे पास कितने टोटल कितनी आस्ट्रोलोप है। तो मेरे पास दो मुर्गियां, एक असील आस्ट्रोलोप है और एक दूसरा आस्ट्रोलोप है, इसके अलावा दो मुर्गे हो गए और टोटल मेरे पास पाँच फीमेल्स हैं इन्हीं में आस्ट्रोलोप में। तो माशाल्लाह मुझे अब जाके पता चला, पहले काफ़ी सारी थी, कुछ सेल कर दी कुछ खा ली, और बाकी की जो कुछ हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती थी, हो सकता है कुछ का नुकसान भी हो, लेकिन इनमें मोर्टेलिटी बहुत ही कम देखने को आई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। और ये जिस तरह का भी मौसम हल्की पुतली बीमार हो जाती हैं या फिर ज़्यादा भी हो जाए, लग रही होती है कि भई ये एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन ये माशाल्लाह खुद को रिकवर कर लेती हैं। ठीक है, तो अब इस केज को भी बंद करते हैं और बाकी के कामों की तरफ चलते हैं। तो केज को फ़िलहाल मैंने बाहर निकाला था ताकि आप लोग को शौक करवा सको, वरना ये अंदर की तरफ था। तो बार बार केज को बाहर निकालना और इसी तरह अंदर की तरफ ज़्यादा अच्छी वीडियोस नहीं बनती, इसलिए मैंने मास्टर केज में पहले कुछ नहीं रखा हुआ था और यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि इनकी छत में मैं थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह करना चाहता हूँ ताकि केज जहाँ पर भी पड़े हुए हवा भी मिले अच्छी तरह बर्ड्स को और वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो ये केज बाहर निकाला है, तो बार बार अगर इसमें कोई दूसरे बर्ड्स होते तो फिर बाहर तो बंदा बार बार नहीं निकाल पाता, क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग है फिर वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो अब क्या है, अब यही कि मैं अपने दूसरे काम करता हूँ, ग्रास वगैरह लगाता हूँ ताकि शाम होने से पहले पहले मैं अपना ग्रास वगैरह लगा लूँ, और इसके बाद बस फिर घास लग जाएगा, फिर इस केज को अंदर रखना है, बाकी बर्ड्स का दाना पानी करेंगे। तो कल जब मैंने सभी बर्ड्स को पकड़ के बंद किया ना, कुछ चीज़ें जो थी टर्की बर्ड्स मस्की डक, उनको मैंने दिन के टाइम में बंद कर लिया था ऐसे शाम जब हो रही थी, लेकिन जो मुर्गियां उनको मैंने बिल्कुल रात के टाइम में पकड़ के भी केजेस में बंद किया था, क्योंकि रात के टाइम उनको नज़र नहीं आता और ये बस इसी तरह बैठी होती है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा शोर किया, इतना ज़्यादा शोर किया जैसे कोई इनको चोरी कर रहा हो, तो फिर मैंने इनको बंद कर दिया था। और अब क्या करना है, यहाँ पर हमने घास लगाना है, मैंने थोड़ी बहुत मिट्टी को सीधा करना है। मेहनत आप लोगों को पता है, जिससे मैं अपने सेटअप पर करता रहता हूँ, तो मुझे ही इसको संवारना है, वरना इसी तरह मिट्टी बुरी लगती रहेगी और सब कहते रहेंगे भाई सेटअप पर मिट्टी बुरी लग रही है, जब तक मैं ग्रास लगा लूँगा। तो पहले हमने लगाया था अब नहीं होगा, अब हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार उग आएगा। तो कोई भी नई चीज़ ट्राई करने पर आप जो सबसे पहले चीज़ फेस करते हैं वो यही फेलियर्स होते हैं। तो हमारा फेलियर एक बार हो चुका है, तो अब दुआ कीजिएगा कि ना, और अब हम जो है ना वो ग्रास लगा रहे हैं। बेशक मैं किसी और से भी लगवाता तो उसने भी यही कहना था कि भाई आपके बर्ड्स खुले फिरते हैं वो उसको खा जाते हैं, हम तो ज़िम्मेवार नहीं हैं। तो गलती का जब पता था कि बर्ड्स खोले हुए हैं तो इस तरह से हो गया, अब उनको बंद किया हुआ अब लगा लेते हैं, तो उम्मीद है कि उग जाएगा। बारिशों का भी मौसम है, शायद इसका भी हमें फ़ायदा, और घास जब वो सेटअप पे उग गए सेटअप प्यारा हो जाएगा, फिर हम सेटअप के छोटे छोटे केजेस या बाकी की सेटिंग तो वैसे साथ साथ करते ही रहेंगे। तो जितनी मुझे ज़्यादा खुशी थी कि भाई
मैं यहाँ पर ग्रास लगाऊंगा और ग्रास उगेगा ये वो सारा कुछ, यानी कि जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि मिट्टी सीधी करने में, सिर्फ इस थोड़े से हिस्से की मिट्टी सीधी करने में, अब देख सकते हैं सिर्फ वहाँ से यहाँ तक, अब आगे देखते जाएँ ये वो वहाँ तक, तो वहाँ तक जो है, तो जितनी मुझे ज़्यादा खुशी थी कि भाई मैं जल्दी जल्दी मिट्टी सीधी करके तो ग्रास को लगा लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ मिट्टी सीधी करने में ही, लेवल करने में ही तकरीबन 1.5 घंटा लग गया होगा, 2 घंटे भी हो गए होंगे तो पता नहीं। तो बात इस तरह से है कि सूरज भी निकल चुका है, हालांकि अब तो शाम होने वाली है लेकिन बादल वगैरह हटे हैं ना, तो सूरज भी निकल आया और काफ़ी गर्मी भी हो गई है और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया अगर मैं ग्रास लगाने के लिए ठहरता हूँ तो बुखार वगैरह आ जाएगा, जिसम में दर्द ये वो थकावट। तो यहाँ पर जितनी बैम्बू वाल वगैरह पड़ी थी तो वो तपले मैंने हटा ली, ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो पड़े थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए, बांस वगैरह जो पड़े थे वो भी मैंने उठा लिए, और मिट्टी को मैंने स्लोप देने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि ये देखें ये कितनी सारी जगह, लेकिन सिर्फ कबूतरों के सामने वाला हिस्सा ही जो है ना वो अभी तक मैं लेवल कर पाया हूँ, ठीक है। तो बस आज यही हो पाया है, ग्रास जो है फिर हम कल लगा लेंगे। अभी मैं कोशिश करूँगा घर जाऊँ, खाना खाऊँ और जो है वीडियो को एडिट कर लूँ ताकि कोई वीडियो अपलोड भी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बन्ना सा दिया हुआ है थोड़ा सा, ताकि जो है पता हो कि भाई यहाँ तक जो है मिट्टी का लेवल हो चुका है, मिट्टी को स्लोप दिया है ना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया अच्छा खासा, वरना अगर बिल्कुल से बस ऐसे हल्की फुल्की सीधी करनी होती तब तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। और मैंने कहा कि भाई पानी जो है ना वहाँ से अगर बारिश वगैरह होती है तो वहाँ से पानी होता होता यहाँ से बाहर की तरफ चला जाए, ऐसे छत में भरा हुआ हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए पानी को स्लोप देने के लिए मैंने इस तरह से किया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अच्छा है ये भी अच्छा है। तो थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ग्रास तो आज नहीं लग पाया, लेकिन चलें छत हमारी साफ़ सुथरी हो गई है और मिट्टी वगैरह भी सीधी कर लिया, कुछ काम तो हो गया। कल शाम में भी मैं मिट्टी सीधी करता रहा हूँ और आज भी मैंने कुछ काम किया है और जा कर के बस इतना ही हुआ है, और बस फिर कल लगा लेंगे ग्रास। अभी क्या करना है, मैंने अपने बर्ड्स को दाना पानी करना है और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।